अस्सलामु अलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू एन अदर क्लास, चैप्टर नंबर 2, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एंड बोहर्स एटॉमिक थ्योरी, व्हिच इज ऑन पेज नंबर 32 एंड 33 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। प्रीवियसली वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल हाउ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल वॉज प्रेजेंटेड। और रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल में कहा दैट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर विच कंटेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स जो है इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो इसमें कुछ इश्यूज थे। नंबर वन इशू वॉज, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन, यानी कि पहले ऐसा समझा जाता था डेट चार्ज ऑब्जेक्ट कोई भी जब किसी सर्कुलर पाथ में मूव करेगी, इट गेन्स स्पीड, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, इसकी एक्सेलरेशन तेज हो जाएगी, और अल्टीमेटली क्या होगा, ये इसकी एनर्जी कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्पीड होगी बदले में एनर्जी जो है वो रिलीज होती जाएगी, और आहिस्ता आहिस्ता चूँकि इसकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो सारी तो उसने मूव करने में इस्तेमाल कर ली, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में जाकर गिर जाएगा और तबाह हो जाएगा। और एटम, इससे क्या मुराद है कि एटम इस अनस्टेबल के, जैसे ही ये चार्ज ऑब्जेक्ट मूव करेगा, लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना, ऑल द एटम्स आर स्टेबल, के वो चाहे जितनी देर तक मर्जी एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा है, इट डज नॉट, ये जो है वो ख़राब नहीं होता बल्कि स्टेबल रहता है। जबकि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के हिसाब से कि कोई भी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट जब मूव करे तो वो कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी रिलीज करता रहता है, और आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी और वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा, जिसका मतलब है एटम अनस्टेबल है, जबकि एटम अनस्टेबल नहीं होते। दूसरा इसका डिफेक्ट था कि उसने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल हम मान भी लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, तो चूंकि वो कंटिन्यूस एनर्जी रिलीज करेंगे, तो एनर्जी रिलीज किस फॉर्म में होती है, लाइट की फॉर्म में, रोशनी की शक्ल में, और हमें पता है कि लाइट के डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो चूंकि एनर्जी कंटिन्यूसली रिलीज हो रही है, तो एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, जब हम इसका एक ग्राफ ड्रॉ करें, अगर हम इसके कलर पैटर्न चेक करें, तो कुछ इस तरह का कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए। लेकिन जब हमने ग्राफ ड्रॉ किया, जब हमने इसकी एमिशन का पैटर्न चेक किया, तो असल में ऐसा नहीं था, असल में यह था कि कुछ सर्टेन स्पेसिफिक पॉइंट्स के बाद ही एनर्जी रिलीज हो रही थी, अदरवाइज एनर्जी रिलीज नहीं हो रही थी, बिल्कुल जो है वो एटम अपने ओरिजिनल हालत में ठीक था, और इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज नहीं कर रहे थे, बल्कि कुछ इंटरवल, कुछ स्पेसिफिक टाइम के बाद ही ऐसा हो रहा था। ये ब्लैक जो है, ये जो ब्लैक पोर्शन है, इट शोज देयर इज नो एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग दिस पार्ट, और ये जो लाइंस है ये शो कर रही है कि इस दौरान जो है वो कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई है। तो रदरफोर्ड के इस रीजन की वजह से हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था, इसने हमें एटम के बेसिक बातें, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया। इसके एक मॉडल के अंदर मॉडिफिकेशन की गई बाय नील बोहर। तो बोहर्स एटॉमिक थ्योरी, इट इज बेस्ड अपॉन द क्वांटम थ्योरी ऑफ मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक एक अदर साइंटिस्ट था जो कि फिजिक्स का एक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्वांटम थ्योरी पेश की। उन्होंने कहा कि हर किसी भी चीज़ की एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है, जो कि इस ना ही इससे ज़्यादा हो सकती है ना ही इससे कम हो सकती है। तो इसकी ही इस बात को लेकर जो है बोहर ने एक एटॉमिक थ्योरी पेश की, और उसने कहा डेट जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, वो भी बिल्कुल ऐसे ही क्वांटम के फॉर्म में है, एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ एनर्जी इसके पास, एक स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एनर्जी इसके पास अवेलेबल है, जो कि ना ही रिलीज होती है ना ही कोई किसी और इलेक्ट्रॉन जो है किसी और इलेक्ट्रॉन से अब्सॉर्ब करता है, बल्कि ये बिल्कुल कॉन्स्टेंट रहती है। और उसने कहा कि हर एक जो इलेक्ट्रॉन है वो एक स्पेसिफिक पाथ में ही मूव कर रहा है, और उस स्पेसिफिक पाथ को, उस स्पेसिफिक ऑर्बिट को उसने कहा एनर्जी लेवल। उसने कहा कि हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्वांटाइज्ड है, एक स्पेसिफिक पैकेट के फॉर्म में है जिसको वो यूज करता है। सो द फॉर्चुनेट वाज कि उसने कहा कि सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स ही होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर सकते हैं, ये नहीं है कि वो जहां मर्जी रिवॉल्व करें, और इसी तरह, और जब वो रिवॉल्व कर रहे हैं वो अपनी कोई एनर्जी एमिट नहीं करते, कोई एनर्जी रिलीज नहीं करते। हम इसको एक इस जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है कहते हैं, इसका आप कंपैरिजन करें सोलर सिस्टम के साथ।
ये कैसे मुमकिन है कि हम इसका कंपैरिजन सोलर सिस्टम के साथ करें, तो उन्होंने बताया कि आपके पास जो सोलर सिस्टम है उसमें हर एक जो हमारा प्लैनेट है वो एक स्पेशल पाथ में मूव कर रहा है। आप कंसीडर करें सन न्यूक्लियस है और जितने भी प्लैनेट्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कभी ऐसा हुआ कि कोई एक प्लैनेट जो है वो एनर्जी रिलीज करके तबाह हो गया? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, चूंकि वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं और वो एक स्पेसिफिक पाथ में ही मूव कर रहे हैं, वो एक दूसरे के पाथ में आते जाते नहीं है। तो बोहर ने कहा ये जो स्पेसिफिक पाथ है इनको हम एनर्जी लेवल्स कहते हैं, जबकि जो पीछे हम थ्योरी पढ़ के आए थे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल सॉरी, तो उसमें उसने ऐसा कोई बात नहीं की थी कि कहीं जो है वो हमारे जो स्पेसिफिक वो पाथ में इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, उसने कहा था बस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पर हमें एक टर्म दी गई थी बोहर एटॉमिक थ्योरी के, वो टर्म क्या है, एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जब इन स्पेसिफिक एनर्जी सर्कल्स में मूव करते हैं दे डू नॉट रिलीज एनी एनर्जी, और एनर्जी लेवल हमें ये बताता है कि इसमें कितने एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, यानी कि लोअर एनर्जी वाले में कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनकी एनर्जी भी कम होगी, हायर एनर्जी वाले में इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा होंगे और उनकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो पीछे हम लोगों ने कंपैरिजन के साथ चल रहे हैं कि रदरफोर्ड ने उसने जस्ट ये कहा था इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, उस ये वो रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ये रिवॉल्वेशन ऐसे भी हो सकती है, ये ऐसे भी हो सकती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। लेकिन बाद में बोहर ने कहा कि ऐसा नहीं है, ये स्पेसिफिक जो है वो हमारे पास पाथ है जिस स्पेसिफिक पाथ में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक अगर अपने ऑर्बिट से जंप करते हैं किसी भी रीजन की वजह से, तो उनका वो एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ एनर्जी या रिलीज करेंगे या इमिट करेंगे, जो कि हमें मैक्स प्लैंक ने अपनी एनर्जी इक्वेशन के जरिए से बताई थी। लेट्स सी, द फर्स्ट वन इज हाइड्रोजन एटम। उन्होंने लिया कि सबसे पहले जो सबसे छोटा हमारे पास इस वक्त एटम है वो हाइड्रोजन एटम का है, क्योंकि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन और एक ही प्रोटॉन है और बाकी सब उसके बाद ही जो है वो चलते हैं। तो कहते हैं हाइड्रोजन एटम इट कंसिस्ट ऑफ अ टिन न्यूक्लियस, उसका न्यूक्लियस बहुत छोटा है और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है जो कि एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है जिसका एक स्पेसिफिक डिस्टेंस है फ्रॉम द न्यूक्लियस, कि वो पाथ जो है वो ये नहीं है कि बिल्कुल ही इसके साथ लगा हुआ है, कहते हैं उसका एक स्पेसिफिक पाथ है और उस स्पेसिफिक पाथ का एक स्पेसिफिक रेडियस है कि ये इतने ही जो है वो दूर न्यूक्लियस से मूव कर सकता है, इससे ज्यादा दूर ये इसका कोई ऑर्बिट नहीं होगा। उसके बाद ईच ऑर्बिट हैज अ फिक्स्ड एनर्जी दैट इज क्वांटाइज्ड, कहते हैं हर एक ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड है, यानी कि बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं तो वह कहते हैं हर एक ऑर्बिट की अपनी अपनी एनर्जी होगी और वो एनर्जी एक स्पेसिफिक पैकेट्स की फॉर्म में है, एक स्पेसिफिक नंबर है कि यानी कि ये इतनी ही एनर्जी हो सकती है, इससे ना ही इससे ज़्यादा एनर्जी हो सकती है ना इससे कम। तो वह कहते हैं हर एक ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड है। जब तक इलेक्ट्रॉन अपने पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहता है इट डज नॉट रेडिएट और अब्जॉर्ब एनर्जी, ना ही ये एनर्जी इमिट करता है, ना ही एनर्जी निकालता है, ना ही आसपास से इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्जॉर्ब करता है। एनर्जी सिर्फ और सिर्फ तब इमिट या अब्जॉर्ब होगी जब एक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से किसी दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा। तो कहते हैं कि तो फिर कहते हैं कि इमिट कब होगी और अब्जॉर्ब कब होगी, तो उसने कहा जब एक इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी ऑर्बिट, यानी कि जो न्यूक्लियस के पास ऑर्बिट होता है वो लो एनर्जी ऑर्बिट होता है और जो न्यूक्लियस से दूर होता है वो हाई एनर्जी ऑर्बिट है। तो कहते हैं जब एक इलेक्ट्रॉन इस लो एनर्जी ऑर्बिट से हाई एनर्जी ऑर्बिट में जंप करेगा तो ये आसपास से एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा और इसी वजह से बेटे एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, आपने एट्थ क्लास में पढ़े थे एंडोथर्मिक रिएक्शंस के, जो कि हीट अब्जॉर्ब करते हैं। तो वो हीट क्यों अब्जॉर्ब करते हैं, वो इस काम के लिए, इलेक्ट्रॉन्स जब जंप करते हैं फ्रॉम देयर लो एनर्जी ऑर्बिट टू द हाई एनर्जी ऑर्बिट तो वो आसपास से एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं, और अगर इसका रिवर्स हो यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी ऑर्बिट से लो एनर्जी ऑर्बिट की तरफ जंप करे तो एनर्जी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो कहते हैं ये जो एनर्जी का चेंज आया है, यानी कि पहले एनर्जी कुछ और थी, अब जब उसने एनर्जी रिलीज करके लो एनर्जी ऑर्बिट में आया है तो अब इसकी एनर्जी और है। तो ये हमें प्लैंक्स इक्वेशन से पता चला विच इज़ डेल्टा ई इज इक्वल टू ई टू माइनस ई वन विच इज इक्वल टू एच वी।
H is the max Planck constant. उसने ये बताया कि कम से कम इतनी क्वांटिटी ऑफ एनर्जी कितनी 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³⁴ जूल सेकंड, कहते कम से कम इतनी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन जरूर इमिट या अब्सॉर्ब करेगा जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा। यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी ऑर्बिट से हाई एनर्जी ऑर्बिट में जंप करेगा तो वो कम से कम इतनी क्वांटिटी ऑफ एनर्जी आसपास से जरूर अब्सॉर्ब करेगा। इसी तरह से जब एक इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी ऑर्बिट से लो एनर्जी ऑर्बिट में जंप करेगा तो इतनी क्वांटिटी ऑफ एनर्जी जरूर रिलीज करेगा। तो ये हमें मैक्स प्लैंक ने बताया और साथ उसने हमें ये इक्वेशन दी। उसके बाद लास्ट वन इज इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन ऑर्बिट्स ऑफ अ फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम। कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो स्पेसिफिक पाथ है उन स्पेसिफिक पाथ का एंगुलर मोमेंटम भी स्पेसिफिक है। एंगुलर मोमेंटम, सबसे पहले मोमेंटम क्या होता है, आप एक एग्जांपल लें, एक फुटबॉल टीम है और अगर वो मूव कर रही है, कोई भी पर्सन, अब फुटबॉल टीम की भी ना बात करें, कोई भी पर्सन अगर वो मूव कर रहा है, अगर वो स्लोली मूव कर रहा है तो उसको रोकना आसान काम है, जल्दी रुक जाएगा। लेकिन अगर वो बहुत तेज चल रहा है तो उसको रोकना भी उतना ही मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो पावर है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकना, इस पावर को हम कहते हैं मोमेंटम। कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव कर रही होती है तो जो उस टाइम उसकी क्वालिटी होती है उसे हम मोमेंटम कहते हैं। क्योंकि ये हम सर्कल में बात कर रहे हैं कि मोशन इज इन सर्कल इन स्पेसिफिक पाथ, तो अभी इसे कहेंगे एंगुलर मोमेंटम। तो इसके लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया mvr इज इक्वल टू nh ओवर 2π। तो इसका क्या मतलब है, n मीन्स कि कौन से वाले ऑर्बिट में है, पहले ऑर्बिट में, दूसरे में, थर्ड में, फोर्थ में। H प्लैंक्स कांस्टेंट जो ऊपर मैंने उन्होंने वैल्यू बताया 2π, जो कि आपको मालूम है 22/7। तो इसमें कहते हैं कि अगर आप यहाँ वैल्यूज पुट करें तो आप बता सकते हैं कि किस ऑर्बिट की एनर्जी एंगुलर मोमेंटम कितना है। तो बेटे आज के लिए आपने पढ़ा डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जो कि उन्होंने कहा कि पहला डिफेक्ट के उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली चूंकि मूव कर रहे हैं तो उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी और एटम तबाह हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता। दूसरी बात कि उसने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी कंटिन्यूसली रिलीज करता है तो एक कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए, लेकिन लाइन स्पेक्ट्रम हमें नजर आया था। उसके बाद वाला पैराग्राफ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है बोहर्स एटॉमिक थ्योरी, के रदरफोर्ड के इस मॉडल को ही लेकर नील बोहर ने मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी को फॉलो करके उसने एक जो है वो उसके अंदर मॉडिफिकेशन के साथ एक अपनी थ्योरी पेश की, जो कि नीचे जिसके पॉस्टुलेट्स हैं। फर्स्ट वन इज के हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस बहुत छोटा सा है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, हर एक ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड है, इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी तब तक जो है वो रिलीज या अब्सॉर्ब नहीं करेंगे जब तक के वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप नहीं करेंगे। उसके बाद प्लैंक्स कॉन्स्टेंट वैल्यू, जिसको आपने एमसीक्यूज के लिए बहुत अच्छे से याद करनी है। एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे। Thank you and Allah Hafiz.